डायरेक्टर के किस जवाब ने किया सबको हैरान? क्या साउथ में कंपैरिजन करने पर भड़के अनिल शर्मा? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त उशीन आपका स्वागत करती हूं आपके ही पसंदीदा चैनल पॉलीग्राट स्टूडियोज में। टाइटैनिक से कंपेयर की जाने वाली इंडियन सिनेमा की पहली फिल्म गदर ने तो सबका होश ही उड़ा दिया था, और अब फिर से एक बार होश उड़ने की बारी है। होश उड़ेंगे धांसू डायलॉग से, होश उड़ेंगे एक्शन से, होश उड़ेंगे कॉन्ट्रोवर्सी से। गदर ने एक बेंचमार्क सेट किया है, तो उससे बढ़िया काम तो करना ही पड़ेगा। और ये चैलेंज बाकियों के लिए नहीं बल्कि गदर 2 की पूरी टीम के लिए है। गदर को बीट करना मुश्किल है, अब ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ ही बन गया है। जब तक बाकी लोग कह रहे थे तब तक ठीक था, पर अब तो डायरेक्टर अनिल शर्मा ने भी इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है इसके ऊपर। अब वो तो किसी और फिल्म के डायरेक्टर नहीं है, बल्कि सीक्वल भी वो ही डायरेक्ट कर रहे हैं। पर तब भी उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या उन्हें सीक्वल की खुशी नहीं है या खुद पर विश्वास नहीं? तो ऐसा कुछ नहीं है। एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया सीक्वल के बारे में, तब उन्होंने कहा था कि गदर गदर है, वो बन गई है, उसके जैसी फिल्म बनाना किसी के बस की बात नहीं है। भले ही उसके बाद गदर 2 या गदर 3 आएगी, पर गदर एक बार बन गई है, समझो मैंने मेरा बेस्ट काम कर दिया है। मतलब उस वक्त उन्होंने सीक्वल को लेकर कोई फैसला नहीं किया था, पर अच्छी ही बात है कि वो सीक्वल बना रहे हैं और ऑडियंस को एंटरटेन करने की कोशिश करने वाले हैं। जिस तरह ऑडियंस रिस्पॉन्स दे रही है उससे तो ये फिल्म की कई रिकॉर्ड्स बन सकते हैं, ऐसा लग रहा है। वैसे तो अनिल शर्मा फिल्मों के बारे में खुलकर बात करते ही हैं, पर क्या आपको पता है कि एक बार मीडिया ने उन्हें घेर लिया था गदर 2 के बारे में पूछने के लिए? नहीं, बल्कि साउथ फिल्मों के बारे में बात करने के लिए। वैसे अनिल ने अपना गुस्सा तो जाहिर नहीं किया था, पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि साउथ फिल्में रिकॉर्ड बना रही हैं, अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बॉलीवुड कुछ काम नहीं कर रहा। गदर फिल्म ने उस जमाने में 265 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो आज की डेट में 5000 करोड़ है, तो मतलब बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक बॉलीवुड फिल्म इससे भी बढ़िया रिकॉर्ड बना सकती है, भाई वाह, अपनी इंडस्ट्री का इस तरह गर्व तो होना ही चाहिए बंदे को। कोई तरक्की करे या ना करे, हमारी इंडस्ट्री तो बेस्ट है, ये स्लोगन सूट करेगा ना। अनिल की सुनने के बाद अब बस गदर 2 का इंतजार है, देखते हैं कि वो कितने करोड़ का कमाल करती है। क्या आप लोग कलेक्शन का आंकड़ा गेस कर सकते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही कुछ बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।